सौदा को लाल हरि नंद दुलाल जय जय देव हरि। जय जय देव हरि। राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाल हरि यशोदा को लाल हरि नंद दुलाल जय जय देव हरि। जय जय देव हरि। राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाल हरि यशोदा को लाल हरि नंद दुलाल जय जय देव हरि।
मुख चंद चकोर जय जय देव हरि राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाल हरि है सौदा कोलाल हरि नंद दुलाल जय जय देव हरि परीक्षित को राज सौंप कर निकल पड़े हैं सभी पांडव संग लिए द्रौपदी को। गरिमा में इस पृथ्वी पर राज्य करने वाले पांडव और उन सभी पांचों पांडवों के पीछे पीछे चल रही है कृष्ण की एकमात्र सखी द्रौपदी, द्रुपद नंदिनी पांचाली। ओह, ये क्या हुआ? उसी समय आवाज हुई है और द्रौपदी गिर पड़ी है। आज कृष्ण की सखी स्वर्ग से वंचित रह जाएगी, सोचा न था। जैसे ही हिमालय की गोद में गिरी है, चारों तरफ से धूल उड़ रही है और आंख उठाकर देखती है तो उसके पांचों पति छोड़कर आगे निकल पड़े हैं। मुड़कर भी न देखा, स्वर्ग मिलने वाला है। ये भी कैसा स्वर्ग होगा? एक गहरा आघात लगा है द्रौपदी को। बस यहीं से द्रौपदी अपनी कहानी स्वयं कहती है। एकमात्र सखी हूं कृष्ण की, कोई साधारण नारी नहीं हूं। पांचों पांडवों की पत्नी पांचाली का श्रवण कर आर्यवर्त की अनेक नारियों से गर्वान्वित महसूस करती थी और वहीं हिमालय की गोद पर रक्त रंजित अपनी देह के साथ सारी पुरानी बातों को याद कर आज द्रौपदी कहती है, हे गोविंद, हे मेरे सखा, आखिरकार तुम ही मेरे रहे और इस देह से जो जो संबंध बनाए थे वो सब छोड़कर तुम्हारी सखी को स्वर्ग की लालसा में आगे निकल पड़े। जिस प्रकार से पुरुषों में श्री कृष्ण का व्यक्तित्व उलझन में डालता है, उसी प्रकार से नारियों में द्रौपदी का व्यक्तित्व आज भी इस युग में भी हमें उलझन में डालता है। हजम नहीं कर पाते हम
कल्पना भी नहीं कर पाते। जिस एक नारी ने वराह पांच पतियों को और उसको हमारे भारतीय संस्कृति ने, हमारे शास्त्रों ने सती की उपमा दी, क्या कहेगा जगत। भारत और भारत की संस्कृति, यहां के शास्त्र तो बड़े नीतिगत चलते हैं। सती का मतलब तो यह है कि जो एक पति की हो। यहां तो पांच पति की द्रौपदी पांचाली है और उसके बाद भी वह सती है, पर क्यों ना हो कृष्ण की सखी जो ठहरी। और जो कृष्ण की सखी हो सकती है उसके साथ कुछ भी संभव है। द्रौपदी श्री कृष्ण की एकमात्र सखी है, क्योंकि मेरे गोविंद ने तो किसी को दर्जा ही नहीं सौंपा सखी का। ब्रज में रहने वाली गोपियां प्रियसियां हैं, श्री राधे प्राण हैं, छाया हैं, आधा अंग हैं कृष्ण का। द्वारका में रहने वाली हजारों रानियां केवल पत्नियां हैं, किंतु इस सब के बाद भी, इतनी नारियों से घिरे रहने के बाद भी, इतनी रूपवतियों से घिरे रहने के बाद भी, मेरे गोविंद के हृदय पर जो वास कर सकी, शुष्क मुखारविंद पर मुस्कान ला सकी, वो केवल द्रौपदी है, क्योंकि वो कृष्ण की सखी है। अगर इस जगत में कोई सबसे प्यारा संबंध हो भी सकता है तो वो सखा और सखी का हो सकता है। बार बार कृष्ण का संबोधन द्रौपदी से हे सखी, और द्रौपदी का संबोधन कृष्ण से हे सखा, बस इसने मेरे मन को इतना मृदुल कर दिया कि मैं स्वयं ही व्याकुल होकर, जैसे भीतर से तड़फन होती हो कि नहीं, मुझे इस सखी और सखा के संबंध के विषय में, इस जगत के साथ, इस जगत के ऊपर, आंखों के ऊपर जितना पर्दा बिछा हुआ है, आज उस पर्दे को उघाड़ना है और ये बताना है कि आखिरकार द्रौपदी कृष्ण की सखी कैसे बनी, कैसे बनी। क्योंकि इतने से घिरे होने के बावजूद कृष्ण ने उसे सखी रूप में कैसे स्वीकारा। यज्ञ की प्रचंड अग्नि है, चारों तरफ बैठे हुए इतने सारे ब्राह्मण विप्रजन, और धधकती हुई अग्नि की लपटों के मध्य से जन्म हुआ है। श्वेत वस्त्र, श्वेत मुकुट मंडिता, श्वेत कमल धारण किए हुए यज्ञ वेदी पर प्रकट हुई तो जितेंद्रिय मुनिगण भी उस समय सौंदर्य देखकर स्तब्ध रह गए थे। जन्म के समय ही आकाशवाणी हुई है, यह कन्या द्रुपद तुम्हारे सभी अपमानों का बदला लेगी। जन्म से ही जो प्रतिशोध का बदला लेने को बाध्य हो वह है याज्ञसेनी। ऐसे जन्म हुआ कृष्ण की एकमात्र सखी का। आकाशवाणी तो द्रौपदी ने भी सुनी, मन ही मन सोचा जन्म के पहले ही पिता के अपमान का प्रतिशोध लेने को बाध्य हो गई। द्रौपदी की जन्म के पश्चात पहली प्रार्थना भी अद्भुत है। क्या कहती है, यज्ञ कुंड से निकलते ही चारों तरफ ललचाई दृष्टि से मुनिगण भी देख रहे हैं, जितेंद्रिय ब्राह्मण भी देख रहे हैं। हे भगवान, पृथ्वी पर अगर धर्म की रक्षा के हेतु ही मेरा जन्म हुआ है तो जितनी लांछना, जितना अपमान देना है दो, पर सब सहने की क्षमता भी देना, शक्ति भी देना। और यज्ञ कुंड से याज्ञसेनी और दृष्टिद्युम्न दोनों का प्राकट्य हुआ और नामकरण किया गया और द्रौपदी का जन्म नाम कृष्णा रहे। ऋषियों ने कहा, मेरा नाम सुनते ही मेरे पिता की मुखाकृति प्रसन्नता से भर गई, बोल पड़े, कृष्ण और कृष्णा कितना सुंदर है। मेरे पिता आनंद से भरे और उनके चेहरे पर जो आनंद था उसका संचार मेरे मन पर भी हो गया। कौन है ये कृष्ण जिसका नाम ही इतना अमृतमय है और पिता द्रुपद को अपने से ही बोलते सुना कृष्ण
अपनी कृष्णा तुम्हारे हाथों में ही अर्पित करूंगा। लो, जन्म के साथ साथ होते ही कृष्णा कृष्ण को अर्पित भी हो गई। तुम ही तो हो आर्यवर्त के श्रेष्ठ पुरुष, वीर एवं धर्म स्थापना तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य। हे गोविंद, ऐसा पिता को कहते सुना तो लगा कि पिता किसी गहरे विचार में खो गए हैं, पर इतना श्रवण किया और रोम रोम में मेरे हरियाली छा गई है, रोम रोम पुलकित हो गया है, अंग अंग रोमांचित हो गया है। आर्यवर्त के श्रेष्ठ पुरुष, जन्म के साथ ही सबसे पहला संबंध मेरे पिता ने जिसके साथ जोड़ा वो है श्री कृष्ण। कृष्ण कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हाय कितना मेल खाता है ये नाम। चुंबकीय आकर्षण है नाम में, तो स्वरूप कैसा होगा। और आकाशवाणी ने तो कहा ही है, पृथ्वी पर धर्म की रक्षा होगी और ये है धर्म संस्थापक, तो जीवन का ध्येय भी तो एक है। द्रौपदी ने अपनी सखी नितंबिनी से पूछा कौन है कृष्ण, और नितंबिनी के मुख पर भी मुस्कान छा गई। The one.
ऐसा क्या है जो सुनता है पांचाल देश में कृष्ण का नाम, उसके मुख पर इतनी मुस्कान क्यों आ जाती है? ऐसा क्या आकर्षण है? नितंबिनी ने कहा, कहां से शुरू करूं? इस मुख में इतनी शक्ति नहीं कि श्री कृष्ण के विषय में सब कुछ बता सकूं, पर हां, पूर्ण पुरुष है, समस्त कलाओं से परिपूर्ण है। जितना भी कृष्ण के बारे में कहा जाए कम है। साक्षात प्रेम का, आनंद का, साक्षात जीता जागता मूर्तिमंत स्वरूप है, जिनकी वजह से ब्रज की शोभा बढ़ गई। जो गोपी जन वल्लभ है, जो गोविंद है, जो दामोदर है, जो मनमोहन है, और कितने सुंदर सुंदर उक्तियों से श्री कृष्ण का, बड़े बड़े व्यास जैसे कृष्ण द्वैपायन ने भी तो अपनी भागवत में जिनका उल्लेख किया है अद्भुत रीति से। छूटते ही नितंबिनी से पूछा, कैसे किया है बताओ ना। और नितंबिनी बोलती है, बरहा पीडम नटवर वपुहु कर्णियो कर्णिकारम विभ्रद वास कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणु रधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। बताया है बरहा पीडम कहकर। कृष्ण का स्वरूप अगर समझाना है तो कैसे छोड़ दें श्रीमद् भागवत के उस मुख्य श्लोक को जो व्यास के शिष्यों ने गाया है, बरहा पीडम। कोई संत उसके विषय में चर्चा करते हैं तो रोम रोम पुलकित हो जाता है। छूटते ही द्रौपदी पूछती है, हाय नितंबिनी, उसका कुछ अंश तो बता दे। तो आज नितंबिनी बोलती है, अंगना मंगना मंतरो माधवो माधवम माधवम चांतरेणांगना इत्थमा कल्पितो मंडले मध्यग संजगौ वेणुना देवकी नंदना। हो अंगना मंगना मंतरो माधवो माधवम माधवम चांतरेणांगना इत्थमा कल्पितो मंडले मध्यग संजगौ वेणुना देवकी नंदना। और जहां पर नितंबिनी ने इसकी चर्चा करी है, मेरे तो पग अपने आप ही चलने लग गए हों, जैसे नृत्य करने के इच्छुक हो गए हों। और बताया है नितंबिनी ने कि कृष्ण के तो अंग अंग मधुर हैं। कैसे अंग अंग मधुर हैं? और जैसे ही कहा कि मधुर हैं, तो इतने मधुर हैं कि एक बार तुमने अगर कृष्ण को देख लिया तो मधुरता से तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा संबंध ना हो। मधुरम नयनम मधुरम
हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं अधरं मधुरं बदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् वचनम् चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं सख्यं मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुरा बीजी मधुरा गुंजा मधुरा
सलिलम मधुरम कललम मधुरम सलिलम मधुरम कललम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। बताया है कि अधर भी मधुर है, वदन भी मधुर है, नयन भी मधुर है और हंसी भी मधुर है। हालांकि यह सब कैशोर्य की बातें हैं, पर अब जो कृष्ण जिनके विषय में आपने अपने पिता से सुना है प्रजापालक हैं, द्वारका के राजा अधिपति हैं, धर्मज्ञ हैं, 8 पट महिषी और 16,000 रानियां हैं, अद्भुत वैभव है। तो द्रौपदी मन ही मन सोच रही है, जो सभी श्रेष्ठ गुणों के अधिकारी हैं उनके लिए पागल होना स्वाभाविक ही तो है। इतना सा सुना है, इतना सा श्रवण किया है, मैं पागल हो गई हूं। जो उनके साथ रहती होंगी उनकी क्या दशा होती होगी। नितंबनी तो इस प्रकार से सुना रही है जैसे खुद उसके भी रोम रोम में बसे हुए हो कृष्ण। और जब उसके मुख से सुनती हूं, बार बार वो मुझसे कहती है कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा। और कृष्णा तो सुन सुनकर कृष्ण के ऊपर जैसे सपनों में खो गई हो। नितंबनी सुनाती जा रही है और कृष्णा सोचती जा रही है, कैसे होंगे नील तमाल से और घुंघराले केश। सम्मोहित सी वर्णन सुन रही थी, नशा चढ़ गया था कृष्णा को, कृष्ण का बैठे बैठे ढल गई नितंबनी की गोद में, सारी देह थरथरा रही थी, हृदय में एक विचित्र वेग के कारण स्पंदन हो रहा था। ऐसा अनुभव पहली बार क्यों होता है ऐसा, तो बोल उठी नितंबनी, कृष्ण प्रेम है, कृष्ण प्रेम है। उसने मुंह से बोला है कृष्ण प्रेम है, और जहां कहीं भी मैंने देखा, आगे भी कृष्ण पीछे भी कृष्ण, इत भी कृष्ण उत भी कृष्ण। कृष्ण स्वरूप सुनते सुनते लता कुंज में द्रुपद सुता की आंख लग गई,
द्रौपदी ने स्वयं कहा, मैं चेतना शून्य हो गई। लेकिन उस समय ऐसा लगा जैसे किसी स्वप्न लोक में विचरण कर रही हूं। जिधर भी देख रही हूं उधर कृष्ण ही कृष्ण है, नीलमय नीलमय कृष्णमय, नीलमय कृष्णमय, मधुमय रसमय, रसमय मधुमय, विश्वमय कृष्ण, कृष्णमय विश्व, विश्वमय कृष्ण, कृष्णमय विश्व, कृष्ण 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 रे। चारों तरफ कृष्ण ही कृष्ण के स्वप्न लोक में विचरण कर रही हूं और चारों तरफ से ऐसा लगता है घिरे हुई हूं कृष्ण से ही। कृष्ण से तीव्रता से मिलने की इच्छा हो रही है। तब तक कृष्णा अपने को कृष्ण को सौंप न देगी तब तक चैन कहां, वियोग रूपी रोग लग गया है। बहुत सारे रोग होते हैं लेकिन किसी से प्रेम का संबंध स्थापित हो जाए तो वियोग रूपी रोग लग जाता है। कृष्ण चरणों में अपने मन प्राण यहां तक कि आत्मा को भी अर्पण करना होगा तभी उपचार होगा इस रोग का। ओहो, मन ने चाहा, रोम रोम ने चाहा और कोई अद्भुत सी सुगंध ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। पिता के आने का समाचार सुना और मैं हड़बड़ाकर उठ पड़ी। पिता द्रुपद बोले, सुना है मेरी कृष्णा अस्वस्थ है, राजवैद्य को नहीं लाया। क्यों? क्योंकि जहां पर कृष्ण का आगमन हो वहां पर क्या राजवैद्य, साक्षात मनस या शारीरिक सभी रोगों का निवारण कर सकते हैं कृष्ण। पूरा उद्यान पांचाल का हिना की महक से महक उठा, हवा का एक एक झोंका आया कि तमाल के पुष्प मुझ पर झर गए। उसी झोंके में मयूर चंद्रिका आकर मेरे बगल में गिर पड़ी, रोमांच की सीमा न रही। पिता ने कहा, बेटी कृष्ण से आशीर्वाद लो ना, तुम परम सौभाग्यवान होने जा रही हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, सिरहन होने लगी, चाहती थी मयूर चंद्रिका उठाना पर नितंबनी ने उठाई और हाय कृष्ण के सामने ही बोल पड़ी। कवितावली में रख देती हूं, जाने क्या जरूरत थी बोलने की कृष्ण के सामने कि मैं कविता भी लिखती हूं। जिनकी पद रेणु से समस्त विश्व काव्यमय है, पिता ने कहा पाद वंदना नहीं करोगी। हाय क्या कहूं कैसे कहूं, उन चरणों के विषय में नील कमल से पाद पदम विश्व का श्रेष्ठतम कभी भी वर्णन नहीं कर सकेगा। पता नहीं श्री कृष्ण के चरणों में ऐसी क्या मोहिनी शक्ति थी कि प्रणाम किया और दो अश्रु बूंदे ढरका दी। प्रथम भेंट में वे चरण ही देखे मैंने, रात भर खोई रही उन्हीं चरणों में, कितनी कविताएं लिखी मन नहीं भरा। सोचती हूं जिनके चरण युगल का वर्णन नहीं कर पाई तो उनके मुख नेत्र अधर का कभी मेरी कविता वर्णन कर पाएगी, और अगर नहीं कर पाएगी तो फिर कविता कैसी। आए हाय क्या कहूं कैसे कहूं, उन चरणों के विषय में नील कमल से पाद पदम विश्व का श्रेष्ठतम कभी भी वर्णन नहीं कर सकेगा। पता नहीं श्री कृष्ण के चरणों में ऐसी क्या मोहिनी शक्ति है कि प्रणाम किया और अश्रु बूंदें ढरका दी। प्रथम भेंट में वे चरण ही देखे बस, कोसती रही चरण इतने सुंदर हैं, तो मुखारविंद नेत्र अधर कितने मधुर होंगे। रात भर खोई रही उन्हीं चरणों में, कितनी कविताएं लिखी मन नहीं भरा। सोचती हूं जिनके चरण युगल का ही वर्णन नहीं कर पाई तो उनके मुख नेत्र अधर का क्या कभी वर्णन कर पाऊंगी, और अगर नहीं कर पाई तो फिर कविता किस काम की। जब कृष्ण किसी जीवन में हृदय में नेत्र में नाम रूप में मुख में प्रवेश करते हैं तो कैसी दशा हो जाती है। तब लगा
नितंबिनी की बात सुनकर सही कहती है। कृष्ण जिसके हृदय में प्रवेश कर जाएं एक बार, कृष्ण जिसके हृदय में प्रवेश कर जाएं, उसकी दशा ही बदल जाती है। कल तो मैंने केवल पाद पद्म के दर्शन करे हैं तो नींद नहीं आती थी, पर भोर के समय शायद आंख लग गई और कोई मधुर स्वर सुनकर नींद टूट गई। शयन कक्ष के द्वार पर कोई रट रहा है, कृष्ण कृष्ण हाय। ऐसा लगा जैसे मेरे हृदय द्वार पर कोई गूंज रहा है, कृष्ण कृष्ण। अरे ये मेरे हृदय से उठ रहा है या रुद्र द्वार के उस पार कोई रट रहा है? मैंने सोचा दोनों ही सत्य हैं, कृष्ण 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 कृष्ण। मधुर स्वर तैरता आ रहा था रत्न पिंजरे से। मेरी जो प्रिय सारिका है, जिसका नाम रखा है मैंने नीलमणि, रट रही है कृष्ण कृष्ण। कल रात नितंबिनी बता रही थी कृष्ण जन्म बचपन एवं लीलाओं के वृतांत। नीलमणि ने सारी कथा सुनी और मुझे चिढ़ाने लगी, कृष्ण कृष्ण कहकर। मैं बोलती नीलमणि, तो वह और जोर से कहती कृष्ण कृष्ण। मैं बहुत कहती नीलमणि चुप हो जा, और जोर से कहती कृष्ण 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 कृष्ण। मैं नीलमणि से कहती तुम मुझे पागल कर दोगी। नितंबिनी भी छेड़ने लगी, कृष्ण का एक नाम नीलमणि भी है पता है, और तुम तो उठते ही नीलमणि नीलमणि की रट लगा रही हो। पर नितंबिनी तुम ही तो बताओ ना, हमारी सारिका का नाम भी तो नीलमणि है। तो नितंबिनी बोली कृष्ण कृष्ण नीलमणि नीलमणि समूचे अतिथि भवन में गूंज गया है। हाय कृष्ण आए हुए हैं, हमारे अतिथि भवन में ठहरे हैं। मैं लजा गई, क्या सोचते होंगे उन्होंने कुछ पूछा था क्या? तो नितंबिनी ने कहा हां पूछा था, ये स्वर किसका है? तो सच बताना सखी नितंबिनी तूने क्या कहा? मैंने कह दिया ये तो राजकुमारी का स्वर है। ऐसा क्यों कहा, किसी और का नाम ले देती। और मैं गुस्से में गई, रत्न पिंजर खोल दिया और नीलमणि को उड़ा दिया। पर नीलमणि कुछ समय बाद लौटकर पुनः रत्न पिंजरे के पास आ गई और कृष्ण की बजाय अब कृष्णा कृष्णा की रट लगा रही थी। मैं विस्मित थी, पर नितंबिनी ने बताया श्री कृष्ण ने सिखाया है। उसी समय मेरे मन में प्रश्न उठा कि कृष्ण ने कृष्णा क्यों रटा होगा? कृष्ण को कृष्णा रटने की क्या आवश्यकता है, जिसके पास 16,000 रानियां हैं, अष्ट पट महिषियां हैं। यह सोच ही रही थी कि पिता के पास से सेवक आ गए, कृष्ण दर्शनों को प्रस्तुत हो जाओ। मैंने कृष्ण के लिए बगीचे से चुन चुन कर लाए फूलों की माला बनाई। सोच ही रही थी जिनके चरण युगल इतने मनमोहक, नेत्र युगल कितने कमनीय होंगे। दर्पण के आगे बार बार वस्त्र बदल रही थी, अपने रूप और वेशभूषा पर चिढ़कर सब खोल दिए, विचार में थे क्या धारण करूं। और तभी शंख बज उठा हड़बड़ाहट में, अब सजना और सवरना कहां? श्वेत वस्त्र श्वेत अलंकारों से मैं सजी थी। उसी समय खुले केशों के साथ ही कृष्ण के सामने प्रस्तुत हो गई। कृष्ण ने बोला देवी कृष्णा, तुमसे पृथ्वी में अनेक दुष्टों का नाश होगा, धर्म की स्थापना होगी, और तुम्हारा और मेरा तो ध्येय भी एक है, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मेरे पिता ने कहा तभी तो कृष्णा को सिर्फ आपके चरणों में अर्पित किया है। हे कृष्ण, नामकरण के समय से ही कृष्णा आपके चरणों में समर्पित है। पर कृष्ण ने कहा कृष्णा साधारण नारी नहीं है द्रुपदराज, तो जो कृष्णा के समक्ष अपने आप को योग्यतम प्रतिपादित कर सके वही कृष्णा का पाणिग्रह कर सकेगा। द्रुपद ने चिंतातुर होकर कहा कौन होगा वो? और कृष्ण बोले है, कृष्ण के अलावा भी है, अतः स्वयंवर बिना
कृष्णा का पाणिग्रह का अधिकार किसी को नहीं, कहकर कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा उठे। पिता ने प्रश्न किया, ऐसा कौन है जो कृष्णा के योग्य है? कृष्ण ने स्नेहपूर्ण कहा, हरि और हर, ब्रह्मा और इंद्र की शक्ति लेकर पृथ्वी पर एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ है और वो है मेरा सखा पांडव अर्जुन। मेरी बुआ का पुत्र है, मुझसे एक वर्ष छोटा है। अर्जुन मेरा छोटा भाई ही नहीं, अंतरंग सखा भी है। हमारा देह भिन्न है पर आत्मा अभिन्न है। द्रुपद राज की भावना चेहरे पर चमक रही थी। क्या फर्क पड़ता है कृष्ण हो या अर्जुन, उनका जवाई वीर श्रेष्ठ होना चाहिए। पर मैं याज्ञ सैनी जो सुबह से पुष्प चुन चुन कर कृष्ण के गले में माला डालने के लिए गूंथ रही थी, मेरा क्या? वह अब अर्जुन के गले में देनी होगी, वह भी कृष्ण के कहने पर। मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं, कामना नहीं, आकांक्षा नहीं, क्योंकि यज्ञ की होम की अग्नि से मेरा जन्म हुआ है। पर क्या नारी की भी कभी कोई इच्छा या आकांक्षा या कामना नहीं होती? मन ही मन सोच रही थी, मेरा इस्तेमाल आहुति देने के लिए हो रहा है। कृष्ण मन की बात समझ गए और बड़े स्वार्थ के लिए छोटे स्वार्थ की बलि दी जा सकती है कृष्णा। उसी क्षण कृष्णा ने स्वयं को कृष्ण के आगे समर्पित कर दिया। वनमाला में आंखों के आंसू गूंथ कर वह कृष्ण के गले में नहीं, चरणों में रखती। कृष्ण ने विदा के पहले ही धीरे से मेरे हृदय के पास आकर कहा, कृष्णा, कृष्ण सदा प्रेम में पागल है। पता है कृष्णा, मैं स्नेह का भूखा हूं और सखा अर्जुन ने मुझे जिस प्रेम पाश में बांध रखा है उसमें कभी गांठ न भरना, वरना अर्जुन के प्रति तुम्हारे प्रेम में भागीदार बनने का अधिकार रखता हूं। हक है मेरा, अर्जुन की सारी प्राप्ति अप्राप्ति जय पराजय मैं अंशीदार हूं। अर्जुन पहले भोजन मुझे अर्पित करता है, मुझे अर्पित किए बगैर अर्जुन जल तक नहीं स्पर्श करता। पर जो अर्जुन भोजन मुझे अर्पित करता है मैं उसे खाता नहीं, केवल उस भोजन में से वासना ही ग्रहण करता हूं। वैसे ही तुम अर्जुन की होते हुए भी सूक्ष्माति सूक्ष्म देहाति रिक्त तुम्हारी सत्ता के साथ मेरा अदृश्य संपर्क चिरंतन शाश्वत है, यह कभी न भूलना। छू गई कृष्ण की ये बात मुझे, बता दिया उन्होंने कि अर्जुन की हो गई तो समझो मेरी भी हो गई। उसी क्षण में दो भाग में बन गई मेरी सूक्ष्माति सूक्ष्म देहातीत सत्ता, नील सुनील ज्योतिर्मय सत्ता जो साक्षात श्री कृष्ण है उनमें लीन हो गई। मुझे लगा कि आज कृष्णा के भीतर से कुछ कृष्ण में लीन हो गया है, आज कृष्णा के भीतर से कुछ नहीं, लगा सब कुछ कृष्ण में लीन हो गया है। जो बचा था आशा आकांक्षाओं में, स्वयंवरी द्रौपदी की देह बनकर रह गया पांचाल देश के राज प्रसाद में अर्जुन की प्रतीक्षा में। खो गई कृष्णा अर्जुन की कल्पना में। कृष्ण जैसा ही तो है ना, वरना कृष्ण के मन लायक वह पुरुष होता ही कैसे? मैं नितंबनी से कह रही थी, जिसने एक बार कृष्ण को हृदय में स्थान दे दिया हो वहां केवल सव्यसाची को ही स्थान दिया जा सकता है, क्योंकि वे ही कृष्ण की कला लेकर जन्मे हैं ना, उनमें कृष्ण को ही पाऊंगी। कितनी गहरी प्यास है द्रौपदी के भीतर, कृष्णा के भीतर कृष्ण को पाने की। अर्जुन मिल गए तो कृष्ण के प्राण भी मिल जाएंगे, क्योंकि मैं तो अपने प्राण कृष्णार्पण कर चुकी हूं।
पांचाल देश की राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारी हो रही है। सखी नितंबनी ने बताया स्वयंवर की शर्त के बारे में। सुनकर स्तंभीभूत सोच ही रही थी, कोई उत्तीर्ण होगा क्या? क्योंकि स्वयंवर की शर्त के बारे में सुना, धनुष इतना कठोर कि झुककर गढ़ चढ़ाना भी मुश्किल, घूमती हुई मछली के चक्षुरंध्र भेद करते हुए लक्ष्य भेद कर सकेगा, वही द्रौपदी को पा सकेगा। मुझे अपने पिता की यह अभिनव शर्त देखकर लगा जैसे चाहते हैं कि मैं जीवन पर्यंत चिरकुमारी ही रहूं। स्वयंवर की अद्भुत तैयारी चल रही है। पांचाल देश में चारों ओर आनंद की वसंत ऋतु फैल गई है। एक पक्ष का उत्सव मनाया जा रहा है, भीतर में कृष्णा अहंकार से भर रही है। ऐसा लग रहा है स्वर्ग की कोई अप्सरा का स्वयंवर हो रहा हो। उसी दिन सखी नितंबनी के साथ उद्यान में घूम रही थी, अर्जुन के गुणगान कर रही थी, एकाएक बोल पड़ी, सखी कृष्ण का कभी विश्वास न करना, बहुत मायावी है ना, तुमसे नारी रत्न को पाकर क्या वे निष्कपट हृदय से अर्जुन के हाथ में सौंप देंगे? याद रखना अर्जुन में कृष्ण की कला है, तुम अर्जुन को प्राप्त कर भी कृष्ण की ही रही। सुना मैंने, गुदगुदी हो उठी, चलो अच्छा है ना, अर्जुन को पाऊंगी तो कृष्ण के प्राण भी मुझे मिल जाएंगे। स्वयंवर की तैयारी देखकर मेरे मन में संशय हो उठा कि जो शर्त पिता ने रखी है उसमें अर्जुन जयी तो होंगे ना, श्री कृष्ण भी तो उस शर्त से सहमत हैं। लेकिन तभी आकर नितंबनी ने बताया, सुना है पांच पांडव हस्तिनापुर में नहीं है, उनके बारे में बड़ी अपकथाएं सुनी जा रही हैं। मैंने मनी मन कहा, हे भगवान वो सत्य न हो, अगर ऐसा हुआ तो चिरकुमारी रहने को प्रस्तुत होना पड़ेगा। मेरी बाई आंख फड़क रही है, क्षीण स्वर में अपने को समझाने की कोशिश कर रही हूं, पांच पांडव वारणावत में उत्सव मना रहे हैं, कृष्ण उनको खबर भेज ही देंगे, इसमें संशय कैसा, पर मन बहुत पीड़ा देता है। नितंबनी कुछ कहना चाह रही थी, ठिठक कर चुप रह गई, कहने लगी, जानती नहीं बात सही है या झूठ। मैंने कहा, नितंबनी बता, अब ये प्राणों का सवाल है। मैंने पूछा, कौन सी बात है बताना नितंबनी। तभी प्रासाद में क्रंदन सुनाई पड़ा, दासियां परिचारिकाएं उच्च स्वर में क्रंदन कर रही थी। मैंने सुना, श्री कृष्ण आए हैं, खबर आई है पांडव लाक्षाग्रह में जलकर भस्म हो गए। मैं चीख पड़ी, हाय अब क्या होगा, चिरकुमारी रहने को प्रस्तुत होना होगा। और यह भी पता चला कृष्ण ही यह दुख संवाद लेकर आए हैं। मैंने उसी समय मन में सोचा, अगर पांडव मृत हो गए तो मेरा और कृष्ण का संकल्प का क्या होगा, पांडव विहीन पृथ्वी पर क्या धर्म की संस्थापना हो पाएगी, हाय क्या कृष्ण पर भरोसा करने में ऐसी जगहसाई होती है। आर्यवर्त के श्रेष्ठ पुरुष हैं, उन्होंने कहा है, स्वयंवर के बिना द्रुपदराज अपनी पुत्री को मत सौंपना, पर अब तो जग हसाई होने वाली है। पर मेरे मन में एक विचार आया कि अगर यही सच है तो कृष्ण कभी पांडवों के सखा ही न थे और धर्म स्थापना के लिए उनका जन्म ही नहीं हो सकता। पर अब क्या होगा, यह स्वयंवर की शर्त पूरी कौन करेगा, पिता ढील न देंगे, बार बार मन में आता है पिता ढील न देंगे, और अगर कोई इस शर्त को पूरा करता है और उसको वरण करना पड़ता है तो मैं अपनी आत्मा को कुलुषित करना भी उचित न समझूंगी, क्योंकि आत्मा से अर्जुन को पति मान चुकी हूं। उत्सव का 16वां दिन, राजप्रसाद में बैठी थी, कृष्ण को मेरी आंखें ढूंढ रही थी, और क्या पता था कृष्ण की आंखों ने कृष्णा को ढूंढ लिया। कृष्ण की ओर देखते ही मेरा मन कह उठा,
अर्जुन आएंगे। प्रण रखने इस घोर अपमान और विपत्ति से कृष्णा का उद्धार करने मेरे अर्जुन आएंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उद्यान के सरोवर में स्नान पार्वती मंदिर जा रही थी, मन ही मन कह रही थी, देवी नारी का सम्मान रखना। तभी देवी के मस्तक से पुष्प गिरा, मन कह उठा, हां अर्जुन आएंगे।